नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं फ्रेंड्स आप सभी के सामने एक नई मित्सुबिशी PLC प्रोग्रामिंग सीरीज के साथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं GX वर्कशीट सॉफ्टवेयर, जो कि मित्सुबिशी का सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इस थर्ड वीडियो के अंदर हम आज बात करने वाले हैं टाइमर के ऊपर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम टाइमर को यूज करते हैं GX वर्कशीट सॉफ्टवेयर में, इसका क्या सिंबल होता है, कितने डिफरेंट टाइप्स के टाइमर होते हैं, पूरा डिटेल में आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं GX वर्कशीट सॉफ्टवेयर, इसको अपन ओपन करते हैं। ये मैंने ओपन कर लिया है फ्रेंड, इस तरह का सरफेस ओपन होकर आता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए FX सीरीज PLC हमारी जो मेरे पास अवेलेबल है और उसमें हम यूज कर रहे हैं FX0S। FX0N होगी तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, इसमें जाके चूज कर सकते हैं। तो हमने भी लिया है FX0S, उसका हम ओके कर देंगे तो ये यूजर इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। ये आपकी प्रोग्रामिंग स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या जानने वाले हैं टाइमर के ऊपर, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, छोटा सा एक लॉजिक बना लेते हैं, उस लॉजिक के थ्रू हम टाइमर को समझेंगे कि कैसे काम करता है। लॉजिक क्या है फ्रेंड, जो हर बार मैं आपको बनाता हूँ, दैट इज ड्यूल स्टार्टर। पहले हम वही लेते हैं और उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड, यहाँ से हम कोई इनपुट ले लेते हैं। ये मैंने इनपुट लिया और इनपुट का हमने एड्रेस डाल दिया X0। ठीक है, ये आप मान लीजिए आपका स्टार्ट पुश बटन है। कमेंट ऐड करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा, तो उसके बाद से कमेंट भी शो कर सकते हैं। कमेंट मैंने डाल दिया है स्टार्ट और इस पर आप एंटर मारेंगे तो ये आपका आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी कमेंट शो नहीं कर रहा है, इसके लिए आप व्यू में जाएंगे और कमेंट्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका कमेंट शो करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और अपना इनपुट लेते हैं, ये मैंने NC ले लिया। इसका एड्रेस हम डाल सकते हैं X001, एंटर मारिए, ये आपका हो जाएगा स्टॉप, क्योंकि आपने NC बटन लिया है, STOP, एंटर मारिए, ये आपका स्टॉप बटन आ गया। ऐसे ही आप एक आउटपुट ले सकते हैं, या तो आप आउटपुट यहाँ से ले लीजिए या फिर इसमें आप डबल क्लिक कीजिए, इस तरह से आपका ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और इसमें आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ये आपका आ गया आउटपुट। आउटपुट का एड्रेस मैंने डाल दिया है Y000 और जैसे हम एंटर मारेंगे, मान लीजिए आपका ये भी कोई मोटर मान लीजिए या कोई कॉयल मान लीजिए आपकी आउटपुट कॉयल, एंटर, तो ये आपका आउटपुट ऑन हो चुका है। अब होल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ब्रांच का यूज करेंगे, ओपन ब्रांच, और इसमें हम Y000 का एड्रेस पुट कर देंगे, एंटर करके एंटर मार देंगे, ये आपका होल्डिंग हमारे आ चुका है, ड्यूल स्टार्टर जो हम बोलते हैं, सिंपल सा होल्डिंग कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं टाइमर के ऊपर जाते हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ये कॉइल आपकी ऑन हो जाएगी, इस कॉइल से हम एक टाइमर को ऑन कराते हैं। तो इस रंग में हम क्या करने वाले हैं, इस कॉइल का हम एड्रेस यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप डबल क्लिक कर दिए इसमें और नहीं तो आप यहां से भी ले सकते हैं। ये मैंने इनपुट लिया यहां से, इसमें मैंने एड्रेस डाला Y000। जैसे हम एंटर करेंगे वो पूरा कॉइल पहले लिखा गया है, ये देखिए, क्योंकि Y0 का एड्रेस हमने कॉइल यूज़ किया हुआ था। दोबारा एंटर कर दीजिए, ये आपका कॉइल आ गई। अब इससे आप क्या ऑन करने वाले हैं, एक टाइमर को। तो फ्रेंड, टाइमर भी क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है एक तरह से PLC का, जो अंदर यूज़ करते हैं। तो डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से आप एक आउटपुट लीजिए, ये रहा आउटपुट। अब टाइमर में लिखने का तरीका क्या होता है फ्रेंड, मित्सुबिशी के अंदर टाइमर की एड्रेसिंग करते हैं P0 से। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, जो हमने अभी मित्सुबिशी की जो सीरीज सेलेक्ट की थी FX0S, तो इसके अंदर टोटल T0 से T55 तक हम टाइमर यूज कर सकते हैं, मतलब T0, T1, T2, ऐसे ऐसे जाके हम T55 तक टाइमर यूज करेंगे। और जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, दो टाइप्स के टाइमर होते हैं, एक होता है आपका टी ऑन डिले टाइमर, दूसरा होता है आपका रिटेंटिव टाइमर। तो बेसिक कुछ डिफरेंस नहीं होता है इनमें। टी ऑन डिले टाइमर क्या है, जैसे आपने पुश बटन प्रेस किया, मान लीजिए मैंने ये पुश बटन प्रेस किया और डिले हमने डाल दिया 5 सेकंड का, तो जो भी आपका आउटपुट होगा 5 सेकंड के बाद ऑन होगा। इस बीच में अगर 5 सेकंड से पहले आपका सिग्नल चले जाएगा तो वो आपका टाइमर रीसेट हो जाएगा। बस रिटेंटिव में क्या होता है, मान लीजिए आपने टाइमर डाला 5 सेकंड और 2 सेकंड का सिग्नल चला गया, तो वो रिटेंटिव मतलब सेव कर लेगा वैल्यू, नाम से ही समझ रहे हैं रिटेंटिव। दोबारा अगर सिग्नल आएगा तो 2 के बाद ही स्टार्ट होगा, बस ये बेसिक डिफरेंस होता है। आगे जो मैंने आपको बता दिया है FX0S के अंदर हमारे T0 से T55 तक टाइमर हम यूज कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा आगे हम
जब डिटेल में जाएंगे तब इसकी रिक्वायरमेंट आएगी, अभी बेसिक इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। चलिए टी जीरो डाला, फिर आप स्पेस दीजिए, इसके स्पेस के बाद आपको देना है के। के क्या है? कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट बोले तो कितनी आपको प्रीसेट वैल्यू डालनी है। अब आपको मैं बता देता हूँ, जो ये FX0 एस सीरीज होती है इसके अंदर 100 मिली सेकेंड तक का टाइमर आप यूज़ कर सकते हैं। 100 मिली सेकेंड मतलब होता है 0.1, मतलब कि अगर आपको के की वैल्यू अगर एक डालेंगे तो 0.1 सेकेंड काउंट करेगा। मान लीजिए आपको एक सेकेंड काउंट करना है तो के आपको 10 डालना होगा। हमें अगर 7 सेकेंड काउंट करना है तो के हम डालेंगे 70। ये हमने 70 डाल दिया और यहाँ पे जाके हमने इसे ओके कर दिया। कुछ आपको नेम देना तो ठीक है, नहीं देना तो आप इसको सीधे कर दीजिए। तो ये देखिए टाइमर का एड्रेस आ गया T0, के कॉन्स्टेंट, प्रीसेट वैल्यू 70, मतलब कि ये 7 सेकेंड का टाइमर हो गया। चलिए फ्रेंड अब इसके बाद एक काम करते हैं, इस टाइमर से एक आउटपुट को ऑन कराते हैं ताकि हमें दिखे हमारा प्रोग्राम पूरा काम कर रहा है या नहीं। तो दोबारा से हम यहाँ पे एक इनपुट लेते हैं, ये मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट में एड्रेस में टाइमर का डालूंगा क्योंकि हम टाइमर से ही ऑन कराने वाले हैं। एंटर और इसे हम ओके कर देंगे जी। अब इस टाइमर के एड्रेस से हम एक आउटपुट ऑन करा रहे हैं, तो हम आउटपुट में क्या ले रहे हैं, मान लीजिए कोई लाइट है, ग्रीन लाइट ले लेते हैं। तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये आ गया, यहाँ पे जाके आप आउटपुट ले सकते हैं। और ये मैंने ले लिया Y001, कमेंट डाल दिया मैंने ग्रीन लाइट, GREEN ग्रीन, LIGHT, ओके, और यहाँ पे ओके कर दिया हमने। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड अभी तक हमारा ग्रीन लाइट भी आ गया है। तो इसको हम करते हैं रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल के हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैंने बिल्ड पे क्लिक किया कलर चेंज हो गया ग्रे से वाइट, मतलब कोई एरर नहीं है। यहाँ जाएंगे सिमुलेट का ऑप्शन है, स्टार्ट सिमुलेट करेंगे। जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी फ्रेंड आप इस पे क्लिक कीजिए और अब ये आपका रनिंग कंडीशन में आ चुका है। अब रन करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम X00 को हमें ऑन कराना है, राइट क्लिक करेंगे, डीबग में जाएंगे। ये डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको चेक करना है ट्यूटोरियल नंबर 1 और 2 में डिटेल में देख सकते हैं। मॉडिफाइड वैल्यू में जाएंगे, देखिए X00 डेटा टाइप आपका है बिट, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा ये आपकी कॉइल ऑन हो जाएगी। कॉइल ऑन होती है आपका टाइमर भी ऑन हो जाएगा और 7 सेकेंड के बाद आपका ग्रीन लाइट भी ऑन हो जाएगी। देखते हैं ऑन, ये देखिए कॉइल ऑन हो चुकी है, काउंट करना चालू कर दिया है। जैसे ये 70 होगा आपका ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स ग्रीन लाइट और लाइट ऑन हो चुकी है। इस तरह से हमारा टाइमर काउंट करता है। अब इसको हम स्टॉप करते हैं और थोड़ा आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं। सिमुलेशन भी स्टॉप किया और दोबारा से हम राइट मोड के अंदर आ गए, यहाँ से इस पर क्लिक करके ये राइट मोड पे आ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स आपने को जब मैंने एलन ब्रैडली के टाइमर के बारे में बताया था तो उसमें हम क्या यूज़ कर रहे थे, डन बिट, टीटी बिट, ईएन बिट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जैसे हमने क्या किया है, ये लाइट ऑन कराया। चलिए एक काम कीजिए, हम एक और आउटपुट लेते हैं और इसमें क्या होगा, हम टी नॉट का एंस यूज करेंगे। इसका मतलब ये वाला जो Y01 आउटपुट है ये तो 7 सेकंड के बाद ऑन होगा, लेकिन जैसे ही टाइमर ऑन होगा जो एनसी वाला आउटपुट होगा वो तुरंत ऑन हो जाएगा। तो हम इसके लिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक और इनपुट यूज करते हैं, ये लिया मैंने टाइमर का T0, एंटर, और इसको अपन एनसी फॉर्मेट में यूज करते हैं। इसको हटा के मैं यहाँ से कर देता हूँ एनसी और फिर एंटर, ओके। इससे अपन एक रेड लाइट ऑन कराते हैं, डबल क्लिक आउटपुट, और यहाँ पे अपन ने क्या ऑन कराया, रेड लाइट। इसका एड्रेस दे दिया मैंने Y002, लेबल मार दिया मैंने रेड LIGHT, ओके, सॉरी यहाँ पे ओके किया। ये भी एक और आ गया है, इसको भी अपन कंपाइल करते हैं, बिल्ड, कोई एरर नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैं पुश बटन को स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करते ही जो ये वाला है मैंने टाइमर का एनसी लिया हुआ है, मतलब रेड लाइट तुरंत ऑन हो जाएगी। और जैसे ही टाइमर ओवर होगा ये एनसी से एन हो जाएगा, रेड लाइट ऑफ हो जाएगी और ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड इसको भी कंपाइल करके देखते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आप सिमुलेट कर सकें
एलन ब्रेडली में जो डन बिट ईएन बिट कम यूज करते थे, इसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिमुलेट करने के लिए फिर से हम इस पे गए, ये कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने के बाद हम इस पे जाते हैं और इस पे हम डीबग में जाके मॉडिफाइड वैल्यू में जाके, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा फ्रेंड, देखना ये ग्रीन लाइट लिखा है, ये ऑन नहीं होगा, ये 7 सेकंड के बाद ऑन होगा। ऑन, ये देखिए ऑन नहीं हुआ, लेकिन रेड लाइट आपका ऑन हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि आपने यहाँ पे टी नॉट का एनसी यूज किया हुआ है। और जैसे ही आपकी 7 सेकंड होंगी, ये देखिए आपका ग्रीन लाइट ऑन हो चुका है। अब एक काम कीजिए, आपको स्टॉप करना है, इस पे जाते हैं हम डीबग पे, स्टॉप बटन पे, मॉडिफाइड वैल्यू, इसको आप ऑन कर देंगे, ये सारा स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्यों ऑन है? क्योंकि आपने एनसी यूज किया हुआ है, तो ये तो ऑन ही रहेगा। ये कब ऑफ होगा? जैसे ही आपका पूरी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी टाइमर की। तो इस तरीके से फ्रेंड काम करता है आपका टाइमर इंस्ट्रक्शन। और भी अगर आपका कोई डाउट बचता है फ्रेंड इससे रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और आगे वाली वीडियो में काउंटर के बारे में बताऊंगा, फिर हम कुछ पीएलसी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड विद टाइमर एंड काउंटर कंबाइंडली, और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा अगर हम कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।